बच्चों, धनतेरस पूजा का समय हो गया। पुकारे मुझे खुशबू धन पैसे की, झुको मेरे सामने और ले आओ चीज ऊंची कीमत की। हम सारा धन तुम्हें दे देंगे, हमें कुछ मत करना। मेरी गहने। इसका बदन तो पत्थर से भी ज्यादा कड़क है। कितनी मेहनत की थी हम सब ने इस त्योहार के लिए, सब खराब हो गया। मुझे तो डर है वो राक्षस फिर आएगा। राक्षस का जानवर तो थोड़ा अजीब था, पर उसके पैरों के निशान किसी आम घोड़े जैसे ही है। लगता है अब वो धन राक्षस वापस नहीं आएगा। शायद कल जितना धन उसे मिला है उतने में उसका पेट भर गया होगा। दिवाली की पूजा खुशी से मना सकते हैं। राक्षस अंकल, मैंने आप पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ कर दीजिए। ये लो, ये त्योहार के लड्डू ले लो। लाओ मिठाई, लाओ 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 लाओ, लाओ। से कीमती एटलस हीरा चोरी हो गया है। एटलस हीरा? हाँ, एटलस हीरे की कीमत दुनिया के सारे खजानों के बराबर है। मशहूर चोर लुटेरे उसकी तलाश में घूम रहे हैं। मगर इसे चुराया किसने? पता नहीं, बस यहाँ कुछ कीचड़ से भरे पैरों के निशान हैं। ये हीरे की तस्वीर है। ये हीरा तो कालिया के पास है। कहीं कालिया एटलस हीरा लेकर फरार तो नहीं हुआ है? हमारे उस्ताद चोर नहीं है। दोस्तों, कुछ गड़बड़ है, अंदर चलकर देखते हैं। ये तो वही कीचड़ के निशान है। ऐसा कीचड़ तो नदी किनारे पाया जाता है, तो शायद चोर नदी की तरफ से ही आया होगा। कालिया और हीरा भी उसी के पास होंगे। ए बच्चे, तू मुझे हीरा दे और ये समंदर का सौदागर शमशेर सिंह तुझे छोड़ देगा। सोच ले, फायदे का सौदा है मुन्ना। तो इस चोरी के पीछे इन समुद्री लुटेरों का हाथ है। कोई वो उस्ताद को कुछ करना दे। मैंने
सुना है समुद्री लुटेरों के पास शार्क से भरा पिंजरा है। क्या सच में? नहीं राजू, वो तो सिर्फ अफवाहें हैं। क्या प्लान है? लगता है ये बच्चे एटलस हीरा लेकर आए हैं। सरदार तो बहुत खुश होंगे। आप इनसे सौदा करो, मैं सरदार को छुड़ाता हूँ। चुराकर तुम बच नहीं पाओगे। चोरी करना मेरा काम है और शमशेर सिंह खतरे का दूसरा नाम है। महाराज हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चलो हम एटलस हीरा महल में लौटा देते हैं। पर क्या हुआ उस्ताद? वो क्या है ना, मैं वही कहना चाह रहा था। मुझे लगता है खुशी खुशी में गुलाटी मारते वक्त एटलस हीरा मेरे गले से निकल कर झाड़ियों में जा गिरा। शुक्रिया बच्चों, एटलस हीरा ढूंढने के लिए। शुक्रिया तो कालिया को कहिए महाराज। क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं महाराज, बस पार्क में हीरा, गांव में ढिंढोरा, ऐसा हो गया। आज ढोलकपुर को लूट के रहेंगे। कोई मुझसे दोस्ती करना चाहेगा? सुनो, इस बार हमने कुछ नहीं किया भीम, हमें छोड़ दो। अरे तुम इतने डर क्यों रहे हो? मैं यहाँ नया हूँ, इसलिए तुम सबसे दोस्ती करने आया हूँ। ये क्या बोल रहा है? मुझे तो लगता है कि इसने जंगली भूल जाए बेरीज खा लिए हैं और इसकी याददाश्त चली गई है। आओ दोस्त। भीम घर पे तो नहीं है? और पार्क में भी नहीं। तो वो गया कहाँ? लगता है हमने भीम को हमेशा के लिए खो दिया। मेरे जिगरी दोस्त भीम, ये रही हमारे दुश्मनों की नगरी, लूट लो इन्हें और मंगल सिंह की टोली को इंसाफ दिलाओ, तब तक हम महल होकर आते हैं। हट जाओ मेरे रास्ते से। भीम, तुम पर भूल जा बेरीज का असर हुआ है, इसीलिए तुम्हें याद नहीं आ रहा, पर हम तुम्हारे दोस्त हैं। तुम तो हमारे रक्षक हो, ना कि दुश्मन। सरदार मंगल सिंह के दुश्मन यानी मेरे दुश्मन। अब तुम सब यहाँ से भागो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहता। अच्छा, ढोलू भोलू घेर लो इसे। क्यों भीम, कुछ याद आया? ये तो मैं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ? तुम तो मंगल सिंह के दुश्मन हो। एक बार इसे चख लो, फिर सारे सवाल के जवाब याद आ जाएंगे। ये तो
बड़ा स्वादिष्ट है। और चाहिए? पहले हम सब के नाम बताओ। लेकिन मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। चुटकी, अगर इसे नहीं चाहिए तो ये लड्डू मुझे दे दो। क्यों ना एक लड्डू मुकाबला हो जाए? क्यों नहीं, क्यों नहीं। मैं तुम्हें हमेशा की तरह यूं हरा दूंगा। हमेशा की तरह? मैंने ऐसा क्यों कहा? क्या मैं इन्हें जानता हूँ? तो हो जाए मुकाबला। तुम कर सकते हो भीम, तुम जीत सकते हो भीम। क्या ये सच में मेरे दुश्मन हैं? दुश्मन होते तो मेरा हौसला क्यों बढ़ाते? क्या सच में मेरी याददाश्त खो गई है? याद आया, अगला राउंड तो मैं ही जीतूंगा। बात भीम, उसे याद आ रहा है। आहा, मैं जीत गया। अब मेरा इनाम दे दो चुटकी। अरे वाह। हम कौन हैं? यहाँ कैसे आए हैं? मैं बताता हूँ। महाराज ने आपको ये सारा सोना महल में वापस रखकर खुद को जेल में बंद कर लेने के लिए कहा है। आ गया। आज सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है। और मुझे तो जलेबी खाने का मन कर रहा है। आइडिया अच्छा है राजू। मैंने सुना है आइसक्रीम के साथ जलेबी का मजा कुछ और ही है। टिरिंग टिरिंग घंटी बजिंग, फर 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 कल्ला, घंटी गिरिंग, फर 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 कल्ला। चार घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। इतने समय में तो मैं खुद जादू टोना सीख लेता। कब मिलेगी मुझे भीम को हराने की ताकत? ये टिरिंग बिरिंग से कुछ होता भी है क्या? घंटी बजेंग, घंटी गिरिंग, फर 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 तोता उड़िंग। दे दो मुझे शैतानी काली किताब। ये छुटकू सी चीज क्या है? बदतमीज आदमी, ये वही जादुई किताब है जिसमें लिखे हुए मायावी मंत्रों से तुम भीम को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो। अब जाओ, नहीं तो ये गंदगी भी तुमसे ही साफ करवाऊंगी। और हाँ, अगर महल पर हमला हो जाए तो सबको इस खुफिया रास्ते सुरक्षित जगह ले जाना। इसके बारे में किसी को नहीं पता। भीम, लगता है अब मैं पूरी तरह से तैयार हो चुका हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, संभल कर काम करना। ठीक है, हम शाम को मिलेंगे। हाँ? अरे सोच क्या रहे हो, आज हमारे पास पूरा खजाना लूटने का मौका है, वो भी कायदे से। अरे वाह, इतना सारा सोना। चुपचाप सब कुछ मेरे हवाले कर दो। अकड़ बकड़ बम्बे बो, चोर निकल के भागा। ये
निशान? ये निशान तो ताजा है, हमें सतर्क रहना चाहिए। तुम सब लोग ठीक तो हो? किसी को लगी तो नहीं? हम सब ठीक है भीम, तुम ठीक हो? मेरी कमर। भीम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम हारने के लिए तैयार रहना। तो भीम भी यहाँ है? आप क्या करें सरदार? जो हम करने में माहिर हैं, डकैती और चोरी, और इस बार हम भीम को चकमा देकर ही रहेंगे। भीम से ज्यादा ताकतवर, ज्यादा ज्यादा।
नेचर में रहने का मजा ही कुछ और है। यहाँ शांति है, खुशी है और है प्यार। शायद इन दोनों में प्यार थोड़ा कम था, लेकिन बाकी जानवर बहुत एकता और सुकून के साथ रहते हैं। शायद वो चील उसे घुमाने ले गई हो। कभी नहीं, मुझे और ज्यादा ताकत की जरूरत है, और ज्यादा। वो कुछ पी रहा है। बुलाया और लो मैं चली आई। ओह बच्चों, इसे रोकना होगा, नहीं तो सब नष्ट हो जाएगा इसकी डकार से। मगर कैसे? इस जादुई अनारदाने की गोली से। तुम्हें ये गोली इसको खिलानी ही पड़ेगी। सब कुछ हजम हो गया। आज के लिए छोड़ देते हैं इसे। मुझे लगता है कि ये पहले से ही काफी सजा भुगत चुका है। तो चलो आइसक्रीम और जलेबी की जुगलबंदी चखने। ये क्या मतलब? लगता है उन लोगों के पास दुकानदार ने नकली नक्शा दे दिया। यहाँ से निकलने में कोई मेरी मदद करता। जासूस कालिया के मशहूर होने का। भीम के आने से पहले मैं ही रहस्य सुलझा देता हूँ। बच्चों, ढोलकपुर में कोई चोर घुस आया है। दोस्तों, वहीं चलकर देखते हैं, तभी पता चलेगा पूरा मामला। काला पंख, शायद गुदगुदी उसका हथियार है। माँ, यहाँ तो सब उथल पुथल हो गया है। ये निशान हमारी दुकान में भी था। वो परछाई तो गायब हो गई। टुनटुन मौसी, इस चोर को सिपाहियों के हवाले कर दो। चोर? मैं कोई चोर नहीं, जासूस हूँ। जासूस चोर को ढूंढ रहा था। ये के
तुम्हारे ही नाम का निशान है ना, केफर कालिया। कालिया ऐसा नहीं कर सकता, हम मिलकर असली चोर को ढूंढेंगे। क्यों कालिया? चले जाओ। कालिया, हमें भरोसा है कि तुमने चोरी नहीं की। क्या सच में? चुटकी, मेरे पास एक तरकीब है। कालिया, अब तुम तैयार हो जाओ। प्रणाम महाराज। आपने हमें बुलाया? हाँ भीम, महल में मायावी चोरों की एक टोली घुस आई है। मायावी चोर? हाँ, ना ही वो दिखते हैं और ना ही पकड़ में आते हैं, बस कुट 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 की आवाज आती है। रसोई, खजाना, हर जगह बस आतंक फैला रखा है। पूरी रात सोने तक नहीं दिया। मुझे डर है कहीं ये ढोलकपुर के लोगों को ना लूट ले। महाराज, आप निश्चिंत होकर सो जाइए, हम इस टोली को पकड़ कर ही रहेंगे। हाँ पिताजी, और इस सब में मैं इनकी मदद करूँगी। डर भी नहीं है। चोर को यहाँ तक ले आना है। देखो कौआ। नाम है मेरा कपटी कौआ, हो जाता हूँ पल में हवा। चलो दोस्तों, हमें उसे पकड़ना होगा। शुक्रिया भीम, हमारा नुकसान होने से बचाने के लिए। शुक्रिया तो कालिया का करो। सिर्फ कालिया नहीं, जासूस कालिया।